ये गर्मा गर्म टेस्टी लाल मांस को हम ये बाउल में सर्व करते हैं। ये लाल मांस को आप रोटी, चपाती, नान या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसलिए बनाने के लिए आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट ये मटन करी यानी लाल मांस को आप जरूर ट्राई कर देखिए। और अगर आपने अश्विनी किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनी किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। गैस चालू कर देते हैं। कढ़ाई में हम ये सरसों का ऑयल डाल देते हैं। हमने इसमें 4 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। गैस को हमने हाई फ्लेम पे ही रखा है। अब ये ऑयल में से जब तक धुआं आता नहीं है तब तक हमें इसको गर्म करके लेना है। ऐसा करने से क्या होता है, ये मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के ऑयल को एक स्पेसिफिक स्मेल रहता है, वो निकल जाता है। यहाँ पे हमने कुछ गर्म मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून शाहजीरा, 4 हरी इलायची, जायत्री, 2 दालचीनी के टुकड़े, लौंग, 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और ये 1 चक्रफूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑयल में से धुआं आना चालू हो गया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और इसमें ये सब गरम मसाले डाल देते हैं। यहाँ पे 2 बड़े प्याज को मैंने बड़े साइज में ही कट करके लिया है। अब इसे भी हम इसमें तुरंत डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं और ये प्याज को ऑयल में फ्राई करके लेते हैं। ये प्याज ऑयल में फ्राई हो रहा है तभी हम इसमें ये 4 लहसुन की कलियां भी डाल देते हैं। अब ये प्याज को अच्छे से गोल्डन कलर आने तक हमें ये ऑयल में फ्राई करके लेना है। हमने ये प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ये 4 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं। लाल मांस ये राजस्थान की एक फेमस डिश है और इसमें मथानिया नाम की लाल सूखी मिर्च डाली जाती है, लेकिन मुझे यहाँ कनाडा में वो मिली नहीं, इसलिए मेरे पास जो अवेलेबल थी वो लाल सूखी मिर्च मैंने इसमें डाली हुई है, लेकिन आपको इंडिया में ये बाजार में कहीं भी मिल जाएगी। यहाँ पे 1 kg फ्रेश मटन मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। अब ये मटन को हम इसमें डाल देते हैं। अब इन मटन के पीसेस को एक 10-15 मिनट हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लेने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन मटन के पीसेस को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करके लिया है। अब इसमें हम ये 2 चम्मच लहसुन की पेस्ट डाल देते हैं। अब ये पेस्ट को भी ये मटन के साथ लगभग 2 मिनट तक अच्छे से भून के लेंगे। अब इसमें हम ये 2 चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाल रहे हैं। ये अदरक के पेस्ट को भी हम ये मटन के साथ अच्छे से भून के लेंगे। यहाँ पे ये कुछ मसाले मैंने लिए हैं। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। मैंने आपको कहा था मथानिया मिर्च मुझे यहाँ कनाडा में मिली नहीं, इसलिए हम उसके जगह पे लाल मांस को अच्छे से लाल कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इन सभी मसालों को हम इसमें डाल देते हैं। ये मसालों की क्वांटिटी को आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये मसाले हम ये मटन के पीसेस के साथ 1-2 मिनट अच्छे से फ्राई करके लेंगे। आपको अगर पसंद है तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं और दही डालते समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो कीजिए वरना दही फटने के चांसेस रहते हैं। सभी मसाले ये मटन के साथ अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये नमक और ये 2 चम्मच देसी घी। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मटन के साथ ये मसाले भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब ये मटन को अच्छे से पकने के लिए हम इसमें ये 1 गिलास गर्म पानी डाल देते हैं। गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिए। एक बार फिर से इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और ढक्कन रखकर धीमी आंच पे हम ये मटन को लगभग 1 घंटे के लिए पकने देते हैं। मटन पकाने के लिए जो टाइम लगता है ये आगे पीछे हो सकता है,
इसका मतलब है आपका मटन अगर फ्रेश है तो वो जल्दी पक जाएगा, लेकिन यही मटन अगर फ्रेश नहीं है तो इसको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। आप चाहे तो ये मटन को आप प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। 1 घंटा हो गया है, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है और देखिए ये मटन भी हमारा अच्छे से पक गया है। कितना बढ़िया लाल कलर हमारी ये लाल मांस को आ गया है। अब हम इसके ऊपर ये बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और ये गर्मा गर्म टेस्टी लाल मांस को हम ये बाउल में सर्व करते हैं। ये लाल मांस को आप रोटी, चपाती, नान या फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं। इसलिए बनाने के लिए आसान लेकिन खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट ये मटन करी यानी लाल मांस को आप जरूर ट्राई कर देखिए।